अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। वही हुआ जिसकी उम्मीद थी और बुजदिल दुश्मन ने रात की तारीकी में LOC पर हमला कर दिया है। और सुबह से हम ये खबर आपको दे रहे थे, हमने अपने ज़राए के बिहाफ पर भी और बहुत से मिलिट्री सोर्सेज की बुनियाद पर भी आपको ये खबर दी कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसकी तैयारी कर रहा है और सीज फायर पर कोई एडवेंचर किया जा सकता है। और वही हुआ है जिसकी खबर सुबह से दी जा रही थी और पाकिस्तान की मिलिट्री हाई अलर्ट थी, स्टेट ऑफ हाई अलर्ट, तीनों अफवाज, इवन हम समुंदर वाली तरफ से भी अलर्ट थे और यहां पर LOC के अक्रॉस पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की एयरफोर्स अलर्ट थे। और इसीलिए ये जो नुकसान है ये कुछ दर्जे तक कम हुआ है। इसके अंदर पाक फौज के जवानों ने जामे शहादत भी नोश किया है, ISPR का ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी आ चुका है और सुबह से ये इत्तलात आ रही थी। ISI जो है उसने इंटरसेप्ट कर लिया था दुश्मन की इस चाल को। और वैसे भी भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है, भारत अंदर से जल रहा है, उसके ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए नरेंद्र मोदी यूजली ये करता रहा है। ये तमाम पर तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे, क्या वायलेशन हुई है वहां पर, लोकल जो है लोग वो क्या कह रहे हैं, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है और कुछ मिलिट्री सोर्सेज हैं उनकी तरफ से भी कुछ तफसीलात मिली हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकायक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहे। खवातीन हज़रात, ये बात हम तकरीबन गुज़श्ता 15 से 16 घंटे से कर रहे हैं और ये चीज पहले से ही खबरदार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था। अलबत्ता ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आई लेकिन मिलिट्री के जराए ने इस बात को कंफर्म किया। हमने भी एक वीडियो बनाई कि भारत जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है, LOC के ऊपर हमला भी कर सकता है और इस तरह की कार्रवाई, बुजदिलाना कार्रवाई जो वो पहले करता रहा है, उस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है। और उसकी वजूहात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो गुदी मीडिया भी अब मोदी के खिलाफ हो गया है, दूसरा वहां पर सिखों का जो एहतजाज हो रहा है, सिखों की जो मूवमेंट चल रही है जो कि फॉर्मर लॉ से खालिस्तान की मूवमेंट के अंदर बदल चुकी है, उस मूवमेंट ने भी नरेंद्र मोदी की रातों की नींद हराम की हुई है। और नरेंद्र मोदी जो है उसके पास हर चीज का 1 पॉइंट एजेंडा होता है, हर मसले का 1 पॉइंट एजेंडा होता है, चाहे वहां पर भूख हो, चाहे वहां पर खुदकुशियां हो, चाहे वहां पर औरतों और बच्चों के साथ ज्यादती हो रही हो, चाहे उनका मुल्क ज्यादती का सबसे बड़ा गढ़ बन जाए, चाहे वहां पर लोगों के पास टॉयलेट ना हो, चाहे वहां पर सिखों का एहतजाज हो, नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ एक चीज होती है, एक हल होता है और वो होता है पाकिस्तान के साथ LOC के ऊपर जंग छेड़ दो, नेशनलिज्म का मंजन बेचना शुरू कर दो और कौमियत का मंजन बेचना शुरू कर दो और पूरी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करके इस पूरी सूरत हाल के अंदर से निकल जाओ। यही बात आज पूरा दिन हम करते रहे और वही हुआ जिसका डर है। ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज आया है, DG ISPR ने ट्वीट भी कर दी है और कैजुअलिटीज भी हुई हैं, जामे शहादत नोश किया है हमारी साइड से। रिस्पांस क्या आया पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से वो भी बताऊंगा। एक बात बड़ी वाजे है कि तीनों जो हमारी अफवाज हैं वो हाई अलर्ट थी, हमारी पाकिस्तान नेवी समुद्रों की हिफाजत के लिए और LOC के अक्रॉस स्पेशली एयरफोर्स। लेकिन दुश्मन ने वही किया जो कि इस दुश्मन का खासा रहा है, ये एक बुजदिल दुश्मन है जिसका पाकिस्तान के साथ पाला पड़ा है, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो, चाहे LOC के ऊपर कोई भी इश्ताल अंगेजी हो, ये रात की तारीकी में कार्रवाई करता है। ये हमारी तरह दिन के उजाले में अभिनंदन को उसके घर से निकाल के यहां पर लाकर उसका त्यारा गिराकर उसे चाय भी पिलाता। ये बुजदिल है, ये कमजोर है, ये बनिया है और यही इसने किया। इस मरतबा भी रात की तारीकी के अंदर ये हमला हुआ है और ये हुआ है क्यूरेटा सेक्टर है LOC के अक्रॉस, LOC के साथ ये सेक्टर है जिसके अंदर ये कार्रवाई हुई है और इंडियन ट्रूप्स की तरफ से, इंडियन फौजियों की तरफ से सीज फायर वायलेशन जो है वो इनिशिएट की गई है, शुरू की गई है। पाकिस्तान की फौज ने भरपूर जवाब दिया उन्हें क्योंकि हम पहले से एंटिसिपेट कर चुके थे, ISI की रिपोर्ट्स आ गई थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ चुकी थी कि दुश्मन ये प्लान कर रहा है, दुश्मन ये सब कुछ करना चाहता है और ये हम भी बताते रहे, मीडिया में भी फिर ये बात आई। इसके अंदर अभी जो बात आई है एक्सचेंज ऑफ फायर में बहादुरी के साथ लड़ते हुए पाकिस्तान आर्मी के 2 सिपाही 2 जवान लांस नायक तारिक और सिपाही जरूफ जो हैं, सिपाही जरूफ और लांस नायक तारिक जो हैं,
इन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया है और इन दोनों जवानों को पूरी पाकिस्तानी कौम का सलाम, इन दोनों जवानों को पाकिस्तान के हर बच्चे, हर जवान, हर बूढ़े का सलाम। पूरी कौम इनकी और इनके अहले खाना की मकरूज है। ये वहां पर एलओसी पर अपनी जानें देते हैं, जागते हैं, तो आज हम यहां पर सुकून से बैठ के सो भी सकते हैं, आपसे बात भी कर सकते हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप ये वीडियो सुन रहे हैं, ये सब कुछ इनकी मरहूम मिन्नत है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ अनासर इन्हें भी मुतनाजा बनाते हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए। खैर, वो और बात है। और मैं इस ये बात करने लग पड़ा तो मैं जज्बाती हो जाऊंगा शायद, और फिर जो तफसीलात हैं वो आपके सामने नहीं रख पाऊंगा। लेकिन इन दोनों जवानों को पाकिस्तान की पूरी कौम का सलाम। हम आपके मकरूज हैं, आपके बच्चों के मकरूज हैं, आपके अहले खाना के मकरूज हैं, और ये कर्ज हम कभी नहीं उतार सकेंगे जो आपने अपनी जानें देकर इस मुल्क की आवाम के ऊपर चढ़ाया है। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और इनकी जो कुर्बानी है वो कभी रायगां ना जाए। हज़रात, बाकी अब बात कर लें जरा पाकिस्तान की जो आर्मी का रिस्पांस आया है, पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से जो रिस्पांस दिया गया है वो इंतहाई शानदार रिस्पांस है। और आईएसपीआर की तरफ से ऑफिशियली जो बात कही गई है वो है कि हैवी लॉस हुआ है इंडियन फौजियों का और उनके हथियारों का और उनकी जगहों का और उनकी चौकियों का। कुछ जराए हैं, एक तो लोकल सोर्सेज की, पहले मैं आपको बात बता दूं कि लोकल सोर्सेज और वहां के जो मकामी जराए हैं उन्होंने कुछ वीडियोस भी हमारे साथ शेयर की। कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि बहुत हसास नौयत की होती हैं और वो मीडिया के जरिए शेयर नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे दुश्मन को बहुत सी चीजों का पता चल जाता है। लेकिन ये वीडियोज भी वहां पर होने वाली कशीदगी जो है, बढ़ती हुई कशीदगी जो है, उसकी इंपॉर्टेंस और उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसे जाहिर करती हैं कि ये कितनी ही वहां पर बड़ी झड़प अभी हो सकती थी अगर पाकिस्तान आर्मी पहले से ये खबर ना होती। अलबत्ता दुश्मन जो है वो हमला कर चुका है, अभी भी कुछ इत्तलात हैं कि वहां पर जो ये झड़पें हैं ये जारी हैं और वक्फे वक्फे से कुछ ना कुछ हो रहा है। और हम यहां पर मुकम्मल हाई अलर्ट सुबह से बैठे हैं, हम तो इंतजार कर रहे थे इस बुजदिल दुश्मन का कि यह रात की तारीकी का फायदा उठाए। लेकिन दूसरी तरफ एलओसी के उस पार भारतीय फौजियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये कुछ मिलिट्री सोर्सेज भी कंफर्म कर रहे हैं। हमारे दो जवान शहीद हुए हैं, उनकी बहुत ज्यादा अमवात हुई है, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि ये इंडियन मीडिया पे बहुत जल्दी आ जाएगा रोने धोने के साथ और उनके सफे मातम के साथ। और वो इसके अंदर अजीब अजीब नई कहानी भी तलाशेंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम भी देंगे। वो अभी ये भी कहेंगे कि यहां से पाकिस्तान कोई लोग एंटर करना चाह रहा था, कोई कॉन्स्पिरेसी बनाएंगे, कोई कहानी घड़ेंगे। लेकिन भारतीय जो फौजी हैं एक बड़ी तादाद में उन्हें जहन्नुम वासिल किया गया। ऑब्वियसली हम कंफर्म नहीं कर सकते वो तादाद वो उस पार हुआ है, लेकिन यहां से जो मिलिट्री सोर्सेज हैं वो इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि बड़ा हैवी नुकसान पहुंचाया गया है क्योंकि हमारी आईएसआई, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे गुमनाम हीरोज जो हैं वो इसे हमले को पहले ही पहचान चुके थे। हम भी सुबह से खबर दे रहे थे कि दुश्मन ये करेगा और ये खबर भी इसीलिए सामने लाई गई ताकि पूरी दुनिया को रिकॉर्ड हो कि हम पहले कह रहे थे कि आज ये होगा क्योंकि वहां पर पूरा भारत बंद कर दिया गया है। वहां पर सिख जो है वो उनकी फार्मर की मूवमेंट खालिस्तान के अंदर बदल रही है और ये पहले एंटी मुस्लिम लॉ लाए लेकिन ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमानों की तरह वहां पर आपके आरएसएस के गुंडों से डर के बैठने वाले नहीं है। इनके एक्टर भी वहां पे बॉलीवुड के मुनाफिकों की तरह नहीं है कि जो मोदी के साथ सेल्फियां बनाएंगे बॉलीवुड के मुसलमान खान और एक्टर और बाद में मुसलमानों के हुकूक के लिए नहीं बोलेंगे। इनके सिंगर भी मैदान में आए, इनके एक्टर भी मैदान में आए और ये आपके आरएसएस के गुंडे डंडे उठा के लाते हैं तो सिख आगे से जब तलवारें लाते हैं तो आरएसएस के गुंडे जो है वो 25 मील दूर भाग जाते हैं। तो वहां पर मोदी जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है और मोदी बहुत ही ज्यादा वहां पर इस वक्त प्रेशर में है क्योंकि भारत के लिए मेक और ब्रेक मूवमेंट है। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर आलमी मीडिया, आलमी रहनुमा जस्टिन ट्रूडो ने बात की, यूएन के सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्समैन ने किसानों के हक में बात की, अमरीका, बरतानिया और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इन और कनाडा, इन चार ममालिक के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर किसानों के हक में जो भारत में एहतजाज हो रहा है उसमें बात कर चुके हैं। उन सब की तवज्जो कैसे हटाई जाए, यहां पे पाकिस्तान के साथ फड्डा कर लिया जाए, पाकिस्तान के साथ मसाइल बढ़ा दिए जाए और पूरी दुनिया इस बात उसकी अटेंशन वहां से डाइवर्ट होकर इधर आ जाती है कि यहां पर जी कोई न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, जौहरी ताकतें हैं दोनों ममालिक, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुकी है एलओसी और पूरी दुनिया की तवज्जो डाइवर्ट हो जाए। लेकिन यह इतना आसान डाइवर्ट करना नहीं है, हमने पहले डोजियर दिया, हम इन्हें गाय बगाय अब एक्सपोज कर रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जो जंग है इसमें ये अगर इनकी खाम ख्याली है कि ये आईएसपीआर और आईएसआई और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की कौम भी
पाकिस्तान के जो मुहिब्बे वतन सोशल मीडिया यूजर्स हैं ये उनका मुकाबला कर सकते हैं। तुम्हारी होगी हमसे 5 गुना ज्यादा आबादी, लेकिन हमारी 5 गुना कम आबादी भी तुम लोगों पर भारी है। हम हर तरह के प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए ये पूरी कौम जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की सिपाही बनी हुई है, और इंशाल्लाह आगे भी इनके प्रोपेगेंडे को हम बेनकाब भी करते रहेंगे। और दुश्मन को अभी वहां पर LOC पर इंशाल्लाह मजीद भरपूर जवाब दिया जाएगा, बिकॉज वी वर रेडी एंड वी वर एंटिसिपेटिंग दिस अटैक, और हमें पता था कि ये तुम लोग करोगे। तुम लोग बुजदिल हो और तुम लोग इसी तरह रात की तारीकी का फायदा उठाते हो, दिन का इंतजार करो, क्योंकि दिन के उजाले में कार्रवाई करना पाकिस्तान फौज जानती है। अल्लाह निगेबान, अल्लाह ताला पाकिस्तान फौज की हमेशा हिफाजत करे। आप लोग उन्हें उनके अहले खाना को दुआओं में याद रखें, घरों से दूर बैठे हैं, रोज अपनी जेबों में वसीयतें लिख के नई वसीयतें लिख के रखते हैं कि अगर हम शहीद हो जाएं तो हमारे ये बातें हमें घर वालों को बता देना। घर वालों से मिल नहीं पाते, हमारे सुकून की खातिर, हमारे अमन की खातिर अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए, और जिधर जिधर पाक फौज का जवान है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए, और पूरी पाकिस्तानी कौम की दुआ उनके साथ हैं। अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।